नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है। आर्थिक विश्लेषण की ये दो प्रमुख शाखाएं होती हैं। एक को व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है और दूसरे को समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। सबसे पहले रेगनर फ्रिश ने 1933 में व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र के शब्दों का प्रयोग किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम एक व्यक्ति गत इकाई एक जैसे परिवार उपभोक्ता फर्म उद्योग आदि के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्राय हम कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो माइक्रो शब्द का जो प्रयोग होता है वो एक ग्रीक भाषा के का शब्द है जो वो मिक्रोस से बना है जिसका मतलब होता है लघु बहुत छोटा। और इसमें हम एक उपभोक्ता वस्तुओं को दी हुई कीमतों एवं दी हुई आमदनी से किस प्रकार अधिकतम संतोष प्राप्त कर सकता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक फर्म वस्तु की दी हुई कीमत पर कितना उत्पादन करेगी, एक उद्योग में वस्तु की कीमतें कैसे निर्धारित होंगी, वस्तु की सापेक्ष कीमतें कैसे निर्धारित होंगी, उत्पादन के साधनों का प्रतिफल जो आय है उसे का निर्धारण किस प्रकार से होगा, विभिन्न उद्योगों में उत्पादन के साधनों का आवंटन कैसे होगा, इस सब का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र कुल उत्पादन की बनावट और आवंटन को स्पष्ट करता है और ये भी बतलाता है कि कुल उत्पत्ति की विभिन्न उद्योगों फर्मों और वस्तुओं में कैसे विभाजन होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में कुछ हद तक हम ये कहते हैं कि कुछ सीमा तक समष्टि का भी प्रयोग इसमें आता है। जैसे बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों का योग होता है, एक उद्योग में पाए जाने वाली विभिन्न फर्मों का समूह होता है। इस तरह से जो विभिन्न छोटी इकाइयां हैं वो एक समष्टि का रूप भी इसमें धारण करती है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में हम विभिन्न प्रकार का अंतर पाते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जहाँ हम एक व्यक्तिगत के बारे में बात करते हैं और इसी तरह से समष्टि में हम एक समूह के बारे में बात करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम निम्नलिखित विषय शामिल करते हैं जैसे वस्तु मूल्य निर्धारण, साधन मूल्य निर्धारण और आर्थिक कल्याण। मोटे तौर पर हम तीन भागों में इसे बांट देते हैं। वस्तु मूल्य निर्धारण में जिसको हम कीमत सिद्धांत कह देते हैं, दूसरा है साधन मूल्य निर्धारण जिसको वस्तु का वितरण का सिद्धांत भी हम कह देते हैं, और तीसरा है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत जिसको हम इकोनॉमिक वेलफेयर थ्योरी कहते हैं। अब जब हम वस्तु मूल्य निर्धारण की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की, मांग का सिद्धांत, उत्पादन व लागत का सिद्धांत। और इसी तरह से जब साधन मूल्य सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम मजदूरी, लगान, ब्याज और प्रॉफिट के बारे में अध्ययन करते हैं। और इसी तरह से आर्थिक कल्याण का सिद्धांत भी आज के युग में बहुत प्रचलित है और इसमें भी हम आर्थिक कल्याण से संबंधित विषय पर अध्ययन करते हैं। और ये हम ये देखते हैं कि जहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र एक तरफ व्यक्तिगत वस्तुओं व व्यक्तिगत बाजारों के संतुलन का अध्ययन करता है, दूसरी तरफ सामूहिक संतुलन का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। इसके अंतर्गत हम विभिन्न वस्तुओं के बाजार, विभिन्न साधनों के बाजार व मुद्रा तथा पूंजी बाजार का परस्पर निर्भर होते हैं, आपस में समायोजन करते हुए सामूहिक और सामान्य संतुलन की स्थिति उत्पन्न करते हैं। और ये हम कह सकते हैं कि व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत संतुलन की स्थिति से संबंधित होता है। इसमें सापेक्ष कीमतों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित जैसे कुल समूह, कुल राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पत्ति, सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक विकास में उतार चढ़ाव आदि का अध्ययन इसमें हम करते हैं। इसमें बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सरकारी संस्थाओं के आर्थिक कार्यकलापों का अध्ययन भी करते हैं। जैसे कि गार्डनर एकले ने अपने शब्दों में कहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र विषयों पर व्यापक रूप से विचार करता है। इसमें हम संपूर्ण विस्तार के बारे में, पूरे फुल डायमेंशन के बारे में इसमें हम अध्ययन करते हैं। इसी तरह से जे एम कीन्स ने समष्टि अर्थशास्त्र के विकास में काफी योगदान दिया है। और समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होने वाले विषयों में हम ये चीजें शामिल करते हैं, आय व रोजगार का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत,
आर्थिक विकास का सिद्धांत, वितरण का समष्टिगत सिद्धांत हम इसमें शामिल करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र दोनों आर्थिक विश्लेषण के दो मार्ग हैं। एक में व्यक्तिगत इकाइयों का आर्थिक व्यवहार का अध्ययन आता है तो दूसरे में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का आर्थिक व्यवहार आता है। एक का संबंध लघु से होता है तो दूसरे का विशाल से। इन दोनों का अंतर सिर्फ हम देखते हैं एक रीति को लेकर है। समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक मात्राओं का एक में एक वस्तु की उत्पत्ति का अध्ययन होता है तो दूसरे में अर्थव्यवस्था की कुल उत्पत्ति का अध्ययन होता है। इस तरह से हम समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र दोनों में अंतर भी हम कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स किस तरह से एक दूसरे से भिन्न भी हैं और एक दूसरे के साथ भी हम इसमें अध्ययन करते हैं, एक दूसरे के से संबंधित भी रिलेटेड भी इसमें है। अब हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स के बारे में, समष्टि मूलक विरोधाभास कि ये क्या होते हैं। कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो बात एक अंश के लिए तो सही होती है परंतु वही बात समग्र के लिए या हम यूं कहें कि पूरे होल पार्ट के लिए वो सही नहीं निकलती। इन्हें समष्टि मूलक विरोधाभास के मामले कहा जाता है और इन्हें हम जोड़ संबंधी भ्रम भी कहकर पुकारते हैं। कई बार क्या होता है, मान लीजिए एक व्यक्ति बचत करता है, यह उसके लिए तो लाभदायक सिद्ध होगी लेकिन यदि समस्त राष्ट्र ही बचत करने लग जाए तो क्या होगा, उसका परिणाम उपभोग घटा देगा और विशेषतः मंदी की स्थिति में इसका अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इससे वस्तुओं की मांग और कम हो जाएगी। इसे बचत का विरोधाभास भी कहकर हम पुकारते हैं। इस तरह से जो बात व्यक्ति विशेष के लिए सही रहती है वो पूरे राष्ट्र के लिए अनुचित प्रमाणित हो जाती है। एक व्यक्ति बैंक में अपनी राशि निकालने के लिए जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि सभी जमाकर्ता अपनी राशि एक साथ निकालना चाहेंगे तो बैंक वित्तीय संकट में पड़ जाएंगे क्योंकि वह सबको एक साथ नगद राशि देने की स्थिति में नहीं होते। इस प्रकार सभी व्यक्ति एक साथ सिनेमा नहीं देख सकते, सभी व्यक्ति एक साथ यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि सिनेमाघर और रेलों की टिकटें सीमित होती हैं। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो विरोधाभास है वो एक व्यक्ति के लिए सही हो सकता है और पूरे राष्ट्र के लिए सही नहीं हो सकता, या कई चीज़ें ऐसी हैं जो एक राष्ट्र के लिए सही होती हैं परंतु व्यक्तिगत लेवल पर वो सही नहीं होती। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, अगर हम कृषिगत उत्पादन की बात करें तो सभी किसान जो हैं वो कठिन परिश्रम करते हैं और प्रकृति की कृपा से अगर अच्छी फसल होती है तो कृषकों को उनकी कुल आमदनी घट जाती है। इसका कारण क्योंकि अच्छी फसल होने से उन्हें कम कीमतें मिलेंगी और जिससे किसानों की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार अकेले किसान की पैदावार बढ़ने से उसकी आमदनी बढ़ेगी लेकिन सबकी पैदावार बढ़ने से उसकी आमदनी घट जाती है। इसी तरह से हम बात करते हैं इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट बाय रिड्यूसिंग वेजेस। जैसे एक व्यक्ति को नौकरी की तलाश में रखने के लिए एक व्यक्ति कम मजदूरी पर काम करने के लिए स्वीकार कर लेता है, कम मजदूरी पर काम करने को तैयार हो जाता है और इससे उसकी बेरोजगारी का समस्या का समाधान हो जाता है। कहने का मतलब हम किसी व्यक्ति को कम आय पर हम रोजगार दे देते हैं, कम मजदूरी पर उसको रोजगार दे देते हैं, लेकिन सभी बेरोजगार व्यक्ति अगर इस समस्या का इसी तरह से समाधान करें और कम मजदूरी पर काम करने को तैयार हो जाएं तो उनकी मौद्रिक मजदूरी में कमी होने से अर्थव्यवस्था की कुल मांग घट जाएगी जिससे बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। इस प्रकार एक उद्योग में मजदूरी कम होने से मजदूरों की मांग तो बढ़ जाती है लेकिन सभी उद्योगों के लिए बात सही नहीं निकलती। इसी तरह से हम देखते हैं कि एक उद्योग में ऊंची कीमतों से उसकी फर्में लाभान्वित होती हैं लेकिन प्रत्येक वस्तु की कीमत के समान अनुपात में बढ़ जाने से किसी को भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इसी तरह से अगर हमें देखें कि मंदी काल में सेविंग इन डिप्रेशन की मंदी की अवधि में व्यक्तियों की तरफ से अगर अधिक बचत करने के प्रयास से किया जाए तो समाज की कुल बचत जो है वो कम हो जाएगी। और हम ये देखते हैं कि मोर एक्सपेंडिचर देन इनकम, अगर ये चीज जो है एक व्यक्ति के लिए बुद्धिमता वाला व्यवहार साबित नहीं होगी परंतु राष्ट्र के लिए एक मोर एक्सपेंडिचर उसकी आय से अधिक करना एक बुद्धिमता का परिचय देता है। और एक व्यक्ति के लिए जो बुद्धिमता पूर्वक व्यवहार होता है वह कभी कभी एक राष्ट्र के लिए मूर्खता पूर्वक व्यवहार बन जाता है। अगर एक व्यक्ति अपनी आमदनी से अधिक व्यय करता है तो उसे मूर्ख कहा जाएगा,
उसे कहेंगे कि इसका व्यवहार मूर्खतापूर्ण है, लेकिन मंदी के दिनों में एक देश सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना बुद्धिमानी का कार्य माना जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र में कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें एक बात एक व्यक्ति के लिए तो सही होती है, लेकिन समस्त राष्ट्र के लिए वह सही नहीं होती। एक विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा करके अपनी अच्छी ग्रेड ऊंची प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि सभी विद्यार्थी अच्छा करते हैं तो ग्रेड अपरिवर्तित रहती है। इन उदाहरणों से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिणाम सदैव समष्टि अर्थशास्त्र के परिणाम की तरह लागू नहीं हो पाते, या समष्टि अर्थशास्त्र पर वो सही नहीं उतरते। धन्यवाद।